बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, बोले तुलसी माता की जय। प्रिय भक्तों, आज हम आपको बहुत ही निराली कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसके सुनने मात्र से मनुष्यों के सभी प्रकार के कष्ट परेशानियां दूर हो जाती हैं और उनकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भक्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं कार्तिक माह में तुलसी विवाह की विधि, जो बहुत ही आनंददायक है। हृदय में भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप को, माता तुलसी के स्वरूप को बसाएंगे और सुनेंगे तो आनंद भी आएगा और आपकी मनोकामनाएं भी पूरी होंगी। तो बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, बोले विष्णु भगवान की जय, बोले तुलसी माता की जय, बोले शालिग्राम भगवान की जय। कार्तिक शुक्ला नवमी को द्वापर युग का आरंभ हुआ है। इस तिथि को नवमी से एकादशी तक मनुष्य शास्त्रोक्त विधि से तुलसी विवाह का उत्सव करे तो उसे कन्यादान का फल प्राप्त होता है। पूर्व काल में कनक की पुत्री किशोरी ने एकादशी के दिन संध्या के समय तुलसी की वैवाहिक विधि संपन्न की थी। इससे वह वैधव्य दोष से मुक्त हो गई थी। अब तुलसी विवाह की विधि बतलाता हूं, सो ध्यान पूर्वक सुनिए। एक तोला स्वर्ण की भगवान विष्णु की प्रतिमा बनवाइए या अपनी भक्ति के अनुसार आधे या चौथाई तोले की बनवाइए, अथवा यह भी न होने पर उसमें अन्य धातुओं के समिश्रण से भी बनवाई जा सकती है। फिर तुलसी और भगवान विष्णु की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा करके स्तुति आदि के द्वारा भगवान को निद्रा से जगावें। फिर पुरुष सूक्त से वह षोडशोपचार से पूजा करें, पहले देश काल स्मरण करके गणेश पूजन करें, फिर पुण्याह वाचन करके वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए बाजे आदि की ध्वनि से भगवान विष्णु की प्रतिमा को तुलसी के निकट लाकर रख दें। प्रतिमा को सुंदर वस्त्रों व अलंकारों से सजाए रहे। उसी समय भगवान का आह्वान इस मंत्र से करें, कैसे, बोले विष्णु भगवान की जय। आगच्छ भगवान देव अर्चयिष्यामि केशव, तोभ्यं दास्यामि तुलसीम सर्व काम प्रदो भव। अर्थात, हे भगवान केशव, आइए देव, मैं आपकी पूजा करूंगा, आपकी सेवा में तुलसी को समर्पित करूंगा, आप मेरे सब प्रकार के मनोरथों को पूर्ण करें। इस प्रकार आह्वान के बाद तीन तीन बार अर्घ, पाद और विष्टर का उच्चारण करके इन्हें भी भगवान को समर्पित कर दें। तत्पश्चात कांसे के पात्र में दही, घी और मधु अर्थात शहद रखकर इसे कांसे के ढक्कन से ढककर भगवान को अर्पण करते हुए इस प्रकार कहें, हे वासुदेव, आपको नमस्कार है, यह मधु पर्क ग्रहण कीजिए। तब दोनों को एक दूसरे के समक्ष रखकर मंगल पाठ करें। इस प्रकार गोधूली बेला में जब भगवान सूर्य कुछ कुछ दिखाई देते हैं तब कन्यादान का संकल्प करें और भगवान से यह प्रार्थना करें, हे भगवान, आदि मध्य और अंत से रहित त्रिभुवन प्रतिपालक परमेश्वर, इस तुलसी को आप विवाह की विधि से ग्रहण करें। यह पार्वती के बीज से प्रकट हुई है, वृंदावन की भस्म में स्थित रही है तथा आदि
मध्य और अंत में शून्य है। आपको तुलसी अत्यंत प्रिय है भगवान, अतः इसे मैं आपकी सेवा में अर्पित करता हूं। मैंने जल के घड़ों से सींच कर और अन्य सभी प्रकार की सेवाएं करके अपनी पुत्री की भांति इसे पाला पोसा है, बढ़ाया है और आपकी तुलसी आपको ही दे रहा हूं। हे प्रभु, कृपा करके इसे ग्रहण करें, इसे ग्रहण करें प्रभु। इस प्रकार तुलसी का दान करके फिर उन दोनों, तुलसी और विष्णु, शालिग्राम के रूप में की पूजा करें। अगले दिन प्रातः काल में पुनः पूजा करें, अग्नि की स्थापना करके उसमें द्वादाक्षर मंत्र से खीर, घी, मधु और तिल मिश्रित द्रव्य से 108 आहुति दें। आप चाहें तो आचार्य से होम की शेष पूजा पूरी करवा सकते हैं। तब भगवान से प्रार्थना करके कहें, हे प्रभु, आपकी प्रार्थना के लिए मैंने यह व्रत किया, इसमें जो कमी रह गई हो वह आपके प्रसाद से पूर्णता को प्राप्त हो जाए। अब आप तुलसी को साथ लें, वैकुंठ धाम में पधारें। आप मेरे द्वारा की गई पूजा से सदा संतुष्ट रहकर मुझे कृतार्थ करें। इस प्रकार व्यक्ति तुलसी विवाह का पारायण करके भोजन करे और भोजन के बाद तुलसी के स्वतः गिरे हुए पत्तों को खाकर सब पापों से मुक्त होकर भगवान के धाम को प्राप्त होता है। भोजन में आंवला और बेर का फल खाने से उच्छिष्ट दोष मिट जाता है। बोले विष्णु भगवान की जय। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। बोले तुलसी माता की जय। बोले शालिग्राम भगवान की जय।